हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ नो कुकिंग चैलेंज। मींस पूरे दिन घर पे गैस नहीं जलने वाली, आज बिना गैस वाला खाना बनेगा। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यूजुअली भी बच्चे रोटी सब्जी तो खाते नहीं है, तो घर पे कभी बर्गर पिज्जा कभी टोस्ट ये सभी बनता है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाया। मैंने सोचा कि आज बाकी जो अप्लायंसेस आते हैं घर पे, जैसे माइक्रोवेव होता है, ओटीजी होता है या टोस्टर है, आजकल इलेक्ट्रिक तंदूर भी आते हैं, मतलब बहुत से अप्लायंसेस आते हैं जिसको कि हम यूज करके खाना बना सकते हैं। तो मैंने इसमें भी एक ट्विस्ट डाला। मैंने सोचा कि आज गैस के साथ साथ कोई भी अप्लायंसेस हम यूज नहीं करेंगे, उसके बिना मैं क्या खाना बना सकती हूँ। आज की वीडियो यही होने वाली है, तो आप देखते रहिए कि मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैनेको बाइट्स। मैनेको बाइट्स बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैकेट मैनेको का, क्रीम चीज, कीरा बारीक कटा हुआ, टमाटर और 10 स्वीट सॉस, ये आलू भुजिया। सबसे पहले मैनेको बिस्किट्स को हम ट्रे में लगाएंगे। इसके ऊपर क्रीम चीज स्प्रेड करेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और इसमें डाल लेंगे सॉस। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिस्किट्स के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा आलू भुजिया डालेंगे और इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया से, ताकि ये सुंदर लगे देखने। और इस पे डालेंगे अनार के दाने। तो ये हो गए हमारे मैनेको बाइट्स रेडी। ब्रेकफास्ट के लिए बनाएंगे हम स्प्राउट्स। स्प्राउट्स फुल डाइट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। जो बच्चे जिम करते हैं और जो वेजिटेरियन है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी डाइट है। इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ पनीर और नींबू का रस। मूंग की दाल मैंने रात को भिगो के रखी थी और इसको ओवरनाइट सोक करा, उसके बाद इसको हमने एक मलमल के कपड़े में बांध के रख दिया, जिससे कि ये स्प्राउट्स बन गए, ये अंकुरित हो गया। और इसमें डालेंगे हरा धनिया और ऊपर से डालेंगे अनार के दाने, और ये हमारे स्प्राउट्स रेडी हो गए। अगर आप इसमें बॉइल्ड आलू डालना चाहो, उबले हुए आलू, तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन आज ये नो कुकिंग चैलेंज है, इसलिए मैंने इसमें आलू नहीं डाले। तो ये स्प्राउट्स रेडी हो गए ब्रेकफास्ट के लिए। तो पीने के लिए मैं बनाने वाली हूँ स्मूदी। स्मूदी के लिए मैंने लिया है 2 बनाना और 1 एप्पल। बनाना को छील के मिक्सी के
बिना गैस बिना सब कुछ क्या बनेगा? और बनेगा भी बिल्कुल हेल्दी और भूख भी नहीं लगेगी, एकदम टमी फुल। अगर आपको चाय गरम दूध कुछ नहीं मिलना, आज ठंडा ही ठंडा पीना है, नो गैस, आज सारा दिन गैस बंद है। पापा भी लाइक हे मां माताजी चाय के बिना मैं कैसे रहूंगा। पहली बार कोई ऐसी चीज है जिसमें टमाटर भी अच्छा लग रहा है, तो ब्रेकफास्ट करके तो मजा आ गया, टम्मी फुल हो गई। लग नहीं जाता जिनसे टम्मी फुल हो गई, पर सही में हो गई। तो अब मिलते हैं आपको, मैं तो मिलूंगा डिनर में। निकाल फुर्सत में निकल। ब्रेकफास्ट तो हो गया हमारा डन, तो अब हम देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। अभिषेक तो हमें ज्वाइन नहीं करने वाला लंच। सो दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो अब हम बनाते हैं लंच। तो लंच ये मैंने कर्ड लिया है। मार्केट में जो ब्रेड सैंडविच मिलते हैं उनमें मेयोनीज लगी होती है और वो हैवी हो जाते हैं और अनहेल्दी भी होते हैं, तो मैंने इसमें कर्ड लिया है। इसमें डाल दिया खीरा कद्दूकस किया हुआ, बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये मैंने लिया कैरेट कद्दूकस की हुई गाजर। इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी बारीक पिसी हुई चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ा अच्छा मीठा वाला टेस्ट आएगा क्योंकि कर्ड डाला है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसको ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। मेयोनीज वाले बहुत हैवी हो जाते हैं, ये बहुत लाइट रहते हैं और बहुत टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, और इसको हम कवर कर देंगे। ये हमारे हो गए सैंडविच रेडी। ये मेरे 3 टाइप्स ऑफ सैंडविच हो गए रेडी। अब इसको हम एक गीले कपड़े में रैप कर देंगे। ये मैंने एक मलमल का गीला कपड़ा लिया है, इसमें रैप करके रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए लंच टाइम तक। इसको हम साइड पे रखते हैं और चलते हैं मीठा बनाने के प्रोसेस में। तो मीठे में मैं बनाने वाली हूँ, ये मैंने रोस्टेड चना लिया है, इसके हम लड्डू बनाएंगे। इसमें मिक्स करेंगे नारियल पाउडर और कंडेंस मिल्क। तो देखते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले इसको मिक्सी में डाल के हम बीट कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। इसको एक बाउल में
से सा टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरे पास है रामफल, इसको भी काटेंगे। ये है खरबूजा और ये ग्रेप्स, इन सबको मैंने मिक्स काट लिया। अब इस पे डालेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और नींबू का रस, इसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया फ्रूट सैलेड रेडी। तो हम आ गए लंच करने डाइनिंग टेबल पे। हमारे साथ है कान्हा जी, ये हमारे साथ लंच करेंगे। कान्हा जी पहले खाएंगे फ्रूट सैलेड, लड्डू और साथ में खाएंगे ब्रेड और इनका फेवरेट पाइनएप्पल रायता। पाइनएप्पल रायता। तो ये लो कान्हा जी। कान्हा जी आप खाओ और बताओ कि कैसा बना है ये। डिफरेंट डिफरेंट खाना बन रहा है इसीलिए कि लाइट है। लाइट है ना। ब्रेकफास्ट तो सक्सेसफुली डन हो गया, लंच भी सक्सेसफुली डन हो गया, अब हम देखते हैं डिनर में क्या बनाते हैं। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा। अब हो गई है रात और डिनर का टाइम हो गया है। अब हम बनाते हैं डिनर में एक दो स्नैक्स और एक मीठा। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं मीठा। मीठे में बनाने वाली हूँ वॉलनट कुकीज। तो देखते हैं उसका प्रोसेस। वॉलनट कुकीज बनाने के लिए मैंने लिए एक पैकेट मैरी के बिस्किट, कंडेंस मिल्क और वॉलनट यानी कि अखरोट। तो पहले इनको हम एक कटोरी वॉलनट लेके इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे। इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। किड्स को भी ऐसे ही अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। वॉलनट और बिस्किट्स का चूरा बना लिया हमने, इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को लेके हम गोल गोल करेंगे और हाथ से इसके अंदर एक होल बनाएंगे। होल बना के उसमें हम ऊपर से थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। ये ऐसे बनाएंगे हम। शेप आप जैसे मर्जी बना सकते हो, बस इसके अंदर ये स्टफिंग जरूर करनी है जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब हम खाएंगे तो उसमें जो ये कंडेंस मिल्क का फ्लेवर आएगा ना, मतलब बहुत ही अच्छा मजा ही आ जाएगा। क्योंकि ये सारा वॉलनट से बना है, तो वॉलनट तो वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये होगी हमारी वॉलनट कुकीज। अब हम इसको ये बिस्किट्स का जो चूरा है इसके अंदर रोल करेंगे ताकि इसका थोड़ा क्रंची वाला टेस्ट आए। तो ये होगी हमारी वॉलनट कुकीज रेडी। इसके ऊपर हम एक छोटा छोटा बिल्कुल हाथ से तोड़ के अखरोट का पीस लगा देंगे। ये देखिए वॉलनट कुकीज तो होगी रेडी। अब हम बनाते हैं रात के लिए जो स्नैक्स बनाने हैं हमने। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ पीनट सैलेड। पीनट सैलेड बनाने के लिए मैंने लिए ये रोस्टेड वाले पीनट्स। इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, नींबू का रस और धनिया। तो बनाते हैं, इसमें पहले एक बाउल में लेंगे मूंगफली का दाना, इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, ये हरे प्याज लिए मैंने, और इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे और ये हमारा पीनट सैलेड रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे सेब पूरी। तो सेब पूरी बनाने के लिए मैंने लिए ब्रेड, जिसको मैंने कि ये एक कटोरी रख के ऐसे गोल गोल काट लिया। ये मैंने लिए पापड़ी, जो भल्ला पापड़ी होती है, प्याज टमाटर मिक्स करे हुए, ग्रीन चटनी और ये है मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक ट्रे में हम लगाएंगे पापड़ी, इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड, पापड़ी के ऊपर ही ब्रेड रखेंगे, इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ये प्याज टमाटर और इसमें मैंने सॉस मिक्स करी थी, इसके ऊपर लगाएंगे सेव। ये बारीक वाली जो सेव होती है भेलपूरी में डालते हैं और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा धनिया। अब मैं बनाऊंगी भेलपूरी। भेलपूरी निश्चय वो बहुत अच्छी होती है। तो भेलपूरी बनाने के लिए मैंने ली है ये व्हाइट और येलो कलर के परमल आते हैं, जो भेल जिसको बोलते हैं, मैंने ये ली है। प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर और हरा धनिया, हरा प्याज, ये पीनट्स, आलू भुजिया, खीरा बारीक कटा हुआ, सेव,
थोड़े से चने भुने हुए, हरा धनिया और अनार के दाने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में डालेंगे ये परवल, इसमें डालेंगे थोड़े से पीनट्स, चना, प्याज बारीक कटा हुआ, खीरा, टमाटर, इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च। नमक लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची और डाल दो। इसमें डालेंगे ये इमली की चटनी जो मैंने घर बनाई हुई है, तो इसमें मैं यही ऐड करूंगी। भेलपूरी में बॉयल्ड आलू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ये नो कुकिंग चैलेंज है, इसलिए इसमें मैंने आलू नहीं डाले। इसमें डालेंगे नींबू का रस, हरा धनिया, आलू भुजिया थोड़ा ज्यादा डालना है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से डालेंगे अनार का दाना और फाइनली ये बारीक वाली सेब। ये हमारी भेलपूरी रेडी हो गई। फाइनली अब डिनर टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गए हैं हम, और ये नीचे पापड़ी है, ऊपर सुबह मोनाको बाइट। अब ये क्या है? ये सेव पूरी है, ये पीनट सैंडविच है। कभी नहीं बनाया हमने घर पे। तो आज वैसे तुम पराठे खाते हो ना? आप नो कुकिंग नो गैस चैलेंज कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हो। डेली नो कुकिंग चैलेंज। बस एक चीज का फायदा हो गया, मम्मी आपके YouTube चैनल की वजह से हमें अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। वैसे तो तुम्हें कभी अच्छा मिला ही नहीं ना। धीरे धीरे घिया तोरी डिटे खाती थी मम्मी पहले। तुमने कभी खाया बता? नहीं, अच्छा है। आई मीन मतलब ऐसा हेल्दी खाना रोज नहीं मिलता, मतलब वैरायटी ऑफ फूड। ये तो या एग्जैक्टली दिस वन। या ये भेलपूरी, ये भेलपूरी ये भी ट्राई करो, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं। वो तो खा के पता चलेगा। ये खाओ, ये है वॉलनट कुकीज। याम, सही में क्या तो सही में ये कुछ अलग सही है। नेक्स्ट लेवल यम्मी है। बट सही में आई होप मम्मी रोज ऐसे चैलेंजेस करे और हमें रोज इतना वैरायटी ऑफ फूड मिले। अच्छा अच्छा सही में मम्मी को यूट्यूबर बनाने का डिसीजन बहुत अच्छा था। ये भेलपूरी तो वैसे ही मेरी फेवरेट है। I mean, मेरा तो सब कुछ फेवरेट है, डोसा भी फेवरेट है। लोग पूछते रहते हैं क्रिकेट इंसान का फेवरेट है। लो मम्मी आप अभी मेहनत से खाओ। अरे रुको, स्वीट डिश खा रहे हो, पहले खाओ। अब बताओ कैसा है? मम्मी को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो बताओ कैसा है? मैं सुबह से मेहनत कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप स्वीट डिश खाओ इसके बाद। खाओ खाओ यार, eat healthy, stay healthy। लंच में ये दोनों हमारे साथ नहीं थे, और लंच हमारे साथ करा ताना जी ने। अब डिनर में ये दोनों हमारे साथ हैं, और ताना जी sleeping। आई होप कि आपको मेरा ये नो कुकिंग चैलेंज अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।